ओके हेलो फ्रेंड्स, ये मेरे चैनल पे मेरा तीसरा वीडियो है एंड अभी मैंने क्या स्टार्ट किया है, काफ़ी लोग ऐसा बोल रहे हैं कि सजेशंस आए हैं कि बैरन्स की एक जीआरई बुक है तो यू शुड स्टार्ट द वर्ड लिस्ट फ्रॉम देयर। तो मैंने जितने इजी पॉसिबल निमोनिक्स हो सकते हैं इधर उधर से ढूंढ ढांढ के सब कुछ कंबाइल किया है एंड द एम इस कि जितनी जल्दी से जल्दी ये वर्ड लिस्ट को ख़त्म कर सकूँ, क्योंकि बाकी एग्जाम्स में जैसे प्रैक्टिस की भी ज़रूरत होती है, देन आप सैम्पल पेपर लगाएंगे, क्वेश्चंस करेंगे, सेंटेंस कंप्लीशन, टेक्स्ट कंप्लीशन ये सब होगा। तो बेसिकली वो कैप शुड बी ये जितनी जल्दी से जल्दी वाइंड अप हो सके उतना मैं कोशिश करूंगा, विद इन द नेक्स्ट 10 to 15 days कर दूंगा, ऐसा करूंगा। सो आई एम स्टार्टिंग इट। इसके बाहर से आपके वर्ड्स आ ही नहीं सकते, आपको कहीं से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। दिस वुड बी मोर देन एनफ, 2500 वर्ड्स कवर होंगे, 50 वर्ड लिस्ट होंगी करीब एंड हर वर्ड लिस्ट में 50 वर्ड्स होंगे, 2500 इज द एम। तो लेट्स स्टार्ट, और स्टार्ट ऐसे करेंगे कि एक में लास्ट से स्टार्ट कर रहा हूँ, जैसे वर्ड लिस्ट नंबर 50 और वर्ड लिस्ट नंबर 1। तो एक दिन में आपको दो वर्ड लिस्ट दे दूंगा मैं, क्योंकि एग्जाम भी आ रहे हैं एंड यू नीड रिविजन, लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ रिविजन। तो इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ, थोड़ा तेज बनाने की वीडियो कोशिश करूँगा। ओके सो लेट्स स्टार्ट, लेट्स गेट गोइंग। फर्स्ट वर्ड फॉर द डे इज विवेशियस। विवेशियस का मीनिंग होता है लाइवली एंड एनिमेटेड। अब विवेशियस को याद करने का तरीका क्या होता है, विवेशियस में आपको वाइवा दिख रहा होगा, तो वाइवा में क्या होता है, वी हैव टू बी एनिमेटेड एंड लाइवली, हमें लाइव होना पड़ता है बहुत ही, मतलब वी हैव टू जंप टू द आंसर्स, जो भी वाइवा वाला पूछता है बंदा उसको आंसर देना पड़ता है, सो वी हैव टू बी लाइवली बेसिकली। तो विवेशियस वाइवा, वाइवा इज लाइवली, सो लाइवली एंड एनिमेटेड। नेक्स्ट वर्ड इज वॉसीफेरस। वॉसीफेरस का मीनिंग होता है क्लैमरस या फिर नॉइजी। तो इसको मैंने ब्रेक किया है वॉसी प्लस वॉइस प्लस फ्यूरियस। तो जिसकी वॉइस फ्यूरियस होगी ही वुड बी एन नॉइजी पर्सन, अल्टीमेटली तो नॉइजी हो जाएगा वो, सो दैट इज वॉसीफेरस। द नेक्स्ट वर्ड इज वोग। वोग का मीनिंग होता है कोई पॉपुलर फैशन जो कि ट्रेंडिंग में चल रहा हो, इट्स अ ट्रेंडिंग फैशन। तो प्रवोग अपना ब्रांड होता है जिसका मीनिंग होता है फैशन ब्रांड, तो फैशन से याद कर सकते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज वॉलेटाइल। वॉलेटाइल का मतलब होता है चेंजेबल या एक्सप्लोसिव। ये देखो, ये हम लोग स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं, काफ़ी इस बार सुना होगा कि वो बहुत ही वॉलेटाइल टाइप का बंदा है, वो बहुत ही वॉलेटाइल टाइप की चीज़ है, ऐसा कुछ। तो वॉलेटाइल ऐसी चीज़ होती है जो चेंज हो जाती है, एक्सप्लोसिव भी हो सकती है, जैसे पेट्रोल और बाकी लिक्विड्स होते हैं, दे आर वॉलेटाइल इन नेचर। तो वॉलेटाइल मेमोरी कंप्यूटर बेस्ड होती है ना, जो अपनी वॉलेटाइल मेमोरी होती है बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, रैम होती है वॉलेटाइल मेमोरी, सिस्टम शट डाउन करेंगे तो सब कुछ साफ हो जाता है, एवरीथिंग गेट्स इरेज्ड, फिर नया चालू होता है जब नया से ऑन करते हैं, सो दैट इज वॉलेटाइल। देन द नेक्स्ट वर्ड इज वॉलिशन। वॉलिशन का मतलब होता है इट इज़ एन एक्ट ऑफ मेकिंग कॉन्शियस चॉइस। जब आप जान परख के कोई डिसीजन लेते हो, कोई चॉइस मेक करते हो, दैट इज कॉल्ड इज वॉलिशन। अब वॉलिशन इज रिलेटेड टू वायलेशन, साउंडिंग में थोड़ा करीब करीब आ रहा है। अब वायलेशन करना मतलब किसी चीज़ की या किसी इंसान की बात को नहीं मानना, तो वॉयलेशन का उल्टा हो गया वॉलेशन। वॉलेशन मतलब अपनी खुद की चॉइस मानना। द नेक्स्ट वर्ड इज वॉल्यूबल। वॉल्यूबल का मतलब होता है फ्लुएंट और टॉकेटिव। ये मुझे रिसेंटली बहुत जगह पे यूज होने में देखा है वॉल्यूबल वर्ड, एंड इसका हो सकता है वॉल्यूम। अब वॉल्यूम, वॉल्यूम होगी मतलब कोई चीज़ बहुत ही ज़्यादा वॉल्यूम में होगी तो क्या होगा, नॉइज होगा, सो दैट इज वॉल्यूबल। द नेक्स्ट वर्ड इज वॉल्यूमिनस। इसमें भी देखो फुल ऑफ वॉल्यूम आएगा, क्योंकि वॉल्यूमिनस है, वॉल्यूम आ रही है, बल्कि लार्ज इज द एक्चुअल मीनिंग। तो ये जो वर्ड के बाद के मीनिंग लिखे ये एक्चुअल मीनिंग है उनके, एंड जो ब्रैकेट में लिखा है वो शॉर्ट फॉर्म निमोनिक टाइप का बनाने की कोशिश की है। द नेक्स्ट वर्ड इज वोरेशियस। तो वोरेशियस में रैवनस होता है बेसिकली, हप्सी टाइप के लोग नहीं होते हैं कि खाना सामने देखेंगे तो टूट पड़ेंगे, खाना ही खाना है, खाना ही खाना है, वैसे होते हैं। तो वो रैक डिलीशियस, वोरेशियस वो रैक ऐसे बना दिया, जिसने एक रैक भर के खाना रखा होता सब खत्म कर दिया, दैट इज अ वोरेशियस पर्सन। द नेक्स्ट वर्ड इज वाउचसेफ। वाउचसेफ मतलब गारंटी। अब वाउच को मैंने ब्रेक किया वाउचर। वाउचर होता है तो वैल्यूबल चीज़ होती है, उसमें या तो कुछ पैसा होता है स्क्रैच करने पे मिलता है, या तो कोई ऑफर होता है 5,000-10,000 का, सो वाउचर इज अ वैल्यूबल थिंग एंड वी हैव टू कीप इट सेफ ताकि हम यूज़ कर सकें। तो वाउचसेफ मीन्स गारंटी या फिर अ वाउचर विच इज़ वैल्यूएबल एंड वी कीप इट सेफ। द नेक्स्ट वर्ड इज वल्नरेबल। वल्नरेबल का मतलब होता है एनी थिंग दैट इज ससेप्टेबल टू वूंड्स। अब ससेप्टेबल टू वूंड्स मतलब जिसको आप हार्म पहुंचा सकते हो बेसिकली। वल्नरेबल वाउंडेड, इसको वाउंडेबल कर लेना, वाउंडेबल टू मेक दैट चेंज।
वल्नरेबल वाउनेबल, मतलब थोड़ा बहुत लिंक कर रहा है वर्ड, इसलिए मैंने ऐसा बनाया। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बोलता हूँ, आपको कोई अच्छा मिले निमोनिक इससे बेटर जिससे आप चीज़ अच्छे से याद कर सकते हो तो आप याद कर लीजिए। यू शुड पिकअप थिंग्स रिलेटेड टू योर लाइफ, लिंक टू योर लाइफ, तो आप इजिली याद कर पाओगे। ओके सो आगे बढ़ते हैं, द नेक्स्ट वर्ड इज वैफल। वैफल का मतलब होता है टू स्पीक इक्विवोकली अबाउट एन इशू, मतलब बोलते जाना, वैफल बक 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 करते जाना, वाह फुल, ऐसा कुछ बनाने के ट्राई किया था मैंने, एग्जैक्टली नहीं बना बट ठीक है, वाह फुल बक बक करते जाना, दैट इज कॉल्ड वैफलिंग। द नेक्स्ट वर्ड इज वेव। वेव का होता है गिव अप टेम्पररी, टेम्पररली, तो अभी ये इंडिया में बहुत चल रहा है ना, फार्मर्स के वेव लोन और लोन वेव हो रहे हैं हर गवर्नमेंट में, जब भी कोई नया बंदा आता है चीफ मिनिस्टर, जैसे कर्नाटका के बने अभी, उन्होंने आते ही क्या किया 34,000 करोड़ का लोन वेवर डिक्लेयर कर दिया फार्मर्स के लिए। अब एक्चुअली तो ये कितना बेनिफिशियल है फार्मर्स के लिए पता नहीं है, बट ठीक है। द नेक्स्ट वर्ड इज वॉन्डरलस्ट। इसका बहुत ही ईजी मीनिंग है, वॉन्डर लस्ट, घूमने की इच्छा, घूमने की तीव्र इच्छा जिनको होती है, दैट इज कॉल्ड एज वॉन्डरलस्ट। वेन का मीनिंग होता है डिक्रीज इन साइज और स्ट्रेंथ, वेन। अब वेन को मैंने निमोनिक कैसे बनाया, बैटमैन देखी होगी सबने, मोस्टली लोगों ने देखी होगी, तो बैटमैन लोअर्स हिज स्ट्रेंथ व्हेन ही बिकम्स ब्रूस वेन, जब वो अपने नॉर्मल फॉर्म में आता है ब्रूस वेन के, तो वो बैटमैन अपनी स्ट्रेंथ कम कर देता है। या फिर जिन्होंने बैटमैन नहीं देखी है, दे कैन रिमेंबर इट लाइक दिस, वेन से आता है गेन और गेन का उल्टा होता है गेन, मतलब किसी चीज में प्रॉफिट बढ़ना, तो उसका उल्टा यानी कि कम होना, दैट इज कॉल्ड वेन। द नेक्स्ट वर्ड फॉर द डे इज रैंगल, वैंगल सॉरी, वैंगल का मतलब होता है बैंगल, नहीं नहीं ओके रैंगल नहीं है, बैंगल वैंगल है। वैंगल का मतलब होता है टू विगल आउट और प्ले सम ट्रिक्स, मतलब कुछ फनी सा करना, किसी को ट्रिक कर देना। सो वैन गर्ल, इसका है वैन और गर्ल, तो अगर वैन में गर्ल को डालना है या वैन में गर्ल को बिठाना है, पटाना है, जो भी करना है, सो वी नीड टू प्ले सम ट्रिक्स, कुछ अलग से करना पड़ेगा तब बैठेगी लड़की, दैट इज कॉल्ड वैंगल। द नेक्स्ट वर्ड फॉर द डे इज वैंटन। वैंटन का मतलब क्या होता है, अनरेस्ट्रेंड या फिर विलफुली मैलिशियस। वैंटन का मतलब होता है एक तरीके से बहुत ही ज़्यादा खर्चा करना, बहुत ही अनकंट्रोल्ड वे में चीज़ें करना, सो दैट इट इज़ वेरी मच वेस्टफुल। तो वैन टन, समवन हु वांट्स अ टन, अब टन का क्या करोगे आप, वेस्ट ही होगा ना टन आपके पास किसी भी चीज़ का, सो दैट इज वैन टन। द नेक्स्ट वर्ड इज वॉरेंटेड। वॉरेंटेड का मीनिंग होता है जस्टिफाइड या फिर ऑथोराइज। वॉरेंटेड मतलब आई एम वॉरेंटेड टू डू दिस फॉर यू, मतलब आई एम वॉरेंटेड टू मेक दिस वीडियो फॉर यू, तो आई एम जस्टिफाइड, आई एम ऑथोराइज टू मेक दिस वीडियो फॉर यू। तो वॉरेंट हैज़ टू बी जस्टिफाइड बाय अ कोर्ट, वॉरेंटेड इट हैज़ टू बी जस्टिफाइड, कोई वॉरेंट देते हैं किसी को अरेस्ट करने का, सो इट नीड्स टू बी जस्टिफाइड ना, उसमें कोर्ट की मुहर चाहिए होती है, दैट इज कॉल्ड वॉरेंटेड। द नेक्स्ट वर्ड इज वेरी। वेरी का मतलब होता है कॉशियस। कॉशियस मतलब संभल के करना किसी चीज़ को, इसका याद करने का तरीका हो सकता है वेरी इज रिलेटेड टू वरी, जब आपको किसी चीज़ की वरी होती है तो यू बिकम कॉशियस अबाउट दैट थिंग, आपको जो भी चिंता होती है, जो भी चीज़ परेशान कर रही होती है, सो यू आर वेरी मच कॉशियस कि कोई ख़राब ना कर दे, कोई छीन ना ले आपसे वो चीज़, सो यू बिकम कॉशियस, दैट इज़ वेरी। द नेक्स्ट वर्ड इज वेले। वेले एम्बुश, लाई इन वेट, इसका एक मैंने बनाया है ऑन द वे यू ले, और दूसरा इसमें वेले जो होता है, वेले का लिटरल मीनिंग होता है खाली बैठना या फिर कुछ भी नहीं हो करने को, दैट इज़ कॉल्ड वेले। तो लाई इन वेट मतलब किसी चीज़ के इंतज़ार में, ये बेसिकली एम्बुश होता है किसी को अटैक करने के लिए, किसी के इस टाइप के इंतज़ार में, वेन यू आर वेटिंग। द नेक्स्ट वर्ड इज़ वीन। वीन से होता है गिव अप अ चेरिस्ड एक्टिविटी, मतलब आपको वीन है मीन्स यू हैव गिवन अप सम चेरिस्ड एक्टिविटी, जो चीज़ आपको पसंद थी यू हैव टू लीव इट, सो इसका मैंने बनाया निमोनिक मीन। वीन इज रिलेटेड टू मीन। अब मीन लोग होते हैं वो क्या करते हैं, आपसे वही चीज़ मांगेंगे जो आपको देने का मन नहीं होगा, दे आस्क यू फॉर द थिंग्स दे डोंट दैट यू लाइक द मोस्ट, तो वीन एंड मीन, तो वीन का हो जाएगा गिव अप अ चेरिस्ड एक्टिविटी। द नेक्स्ट वर्ड इज वेल्टर। वेल्टर का मतलब होता है वेल ऑफ तार, वेलो, किसी तरीके की दलदल या किसी तरीके की गंदी कोई जगह होती है जहाँ पे पिग्स यूजली लौटते रहते हैं, ऑल दैट, कई बार बफेलोज भी लौटती हैं, सो दैट इज़ अ वेलो टाइप ऑफ अ थिंग, वेल ऑफ तार या फिर गंदगी से भरा कुछ भी, दैट इज़ अ वेल्टर। द नेक्स्ट वर्ड इज वीडल। वीडल का मतलब होता है कजोल या फिर कोएक्स, इन सबका लिटरल मीनिंग होता है किसी को ट्रिक करना, या पर्सन जो ट्रिक्स्टर हो इज अ शार्प माइंडेड आर्टफुल स्किलफुल पर्सन, सो दैट इज वीडल। इसका बनाया मैंने यार कि वीड मारा हुआ होता है अगर किसी ने, तो होश में नहीं होता है बंदा, सब कुछ बहुत स्लो होता है उसकी लाइफ में, स्लो स्लो हो जाता है, तो उसको चीट करना आसान हो जाता है उस टाइम पे, दैट इज वीडल।
The next word is wet. Wet का मतलब होता है sharpen करना, stimulate करना. I want to whet your interest in preparation for vocabulary through my videos. मतलब मैं आपको stimulate करना चाहता हूँ. I want to sharpen your senses कि आप पढ़ने के प्रति इच्छुक हो, आप जागरूक बने and you study out of it. So this is the wet. Sharpen or stimulate something. अब इसका meaning मैंने ये बनाया कि when you see a girl who's wet, you get stimulated. No offenses, but ये याद करने के लिए बहुत ही अच्छा तरीका होता है. यार offense मत लेना, but जिनको पसंद नहीं है ये चीज़ उसके लिए sorry, but ऐसे कई बार होती चीज़ें कि आपको कोई negative sense में ऐसा कोई non-verbal type के meaning बनाओगे या ऐसा कुछ करोगे तो आपको easily याद रहता है और काफ़ी time तक जाता है. तो यार तो दो चार महीने की बात है, exam निकालना है आपको, तो पढ़ के कैसे भी याद करो, you just need to remember that word. That's it. The next word is whiff. Whiff का मतलब होता है a puff of gust or wind या फिर air. जैसे कई बार नहीं होता आप लिफ्ट में घुसे, एकदम से आपको सेंट का एरोमा आता है तो यू थिंक कि भाई इसके पहले कौन था बंदा, उसने बहुत से डीओ मारा हुआ है. सो दैट इज विफ. विफ मतलब स्निफ कर सकते हो आप. द नेक्स्ट वर्ड इज विम्सिकल. विम्सिकल का मीनिंग होता है कैप्रीशियस और अ फैंसीफुल पर्सन, जो कि कॉमिकल होता है, बहुत ही अम्यूजिंग सा होता है बंदा. सो विम्सिकल कैन बी रिमेंबर्ड दिस वे. विम्सिकल इज रिलेटेड टू कॉमिकल. विम्सिकल कॉमिकल. कॉमिकल कौन होते हैं? फनी लोग होते हैं, फैंसीफुल ड्रेसेस पहनते हैं, फैंसी बातें करते हैं बड़ी बड़ी, कैप्रिशियस भी होते हैं, दे कैन चेंज देयर माइंड्स. सो दोज आर कॉल्ड विम्सिकल पीपल. द नेक्स्ट वर्ड इज विलफुल. विलफुल का मतलब होता है इंटेंशनल. इंटेंशनल विल. विल मतलब इच्छा, अपनी इच्छा से जो काम किया गया हो, मर्जी से, दैट इज कॉल्ड इंटेंशनल. तो ये तो याद ही रहेगा यार, इंटेंशनल. द नेक्स्ट वर्ड इज विली. फिर वही इच्छा से, दिमाग से काम किया हो, विलफुल काम, विली काम, दैट इज अ कनिंग काम. इसका याद करने का तरीका मैंने बनाया, बिल्ली होती है ना, शॉपिंग सी होती है, कनिंग सी होती है, एकदम होशियार, दैट इज कॉल्ड विली. विंस. विंस करना मतलब श्रिंक बैक करना या फिर फ्लिंच करना. मतलब एक फेशियल एक्सप्रेशन होता है एक तरीके का, जो कि आपका दिखाता है कि आपको कोई चीज़ पसंद नहीं आई है, समथिंग विच यू डोंट लाइक. सो विंस का मतलब होता है श्रिंक बैक या फिर फ्लिंच. जैसे कोई अपोजिट पार्टी विंस, कोई और दूसरी पार्टी विन करती है, जो आपका दुश्मन होता है वो जीत जाता है, तो हाउ डू योर फेस बिकम, दे बिकम विंस. द नेक्स्ट वर्ड इज विंडफॉल. विंडफॉल का मतलब होता है अनएक्सपेक्टेड लक इवेंट, मतलब किस्मत से मिल जाना, अचानक से, उम्मीद नहीं कर रहे तब भी मिल जाना, दैट इज कॉल्ड अ विंडफॉल थिंग. विस्टफुल का मतलब होता है वेगली लॉन्गिंग. मतलब विस्टफुल का मतलब हो गया वेगली लॉन्गिंग, किसी चीज की आपको तीव्र इच्छा हो, जो आप चाहते हो कि पूरी हो आपकी लाइफ में, दैट इज कॉल्ड वेगली लॉन्गिंग. अब विस्टफुल का है रिस्टफुल, बैंगल से भरी हुई रिस्ट होनी चाहिए, दैट इज अ लॉन्गिंग. हर लड़की की ख्वाहिश होती है कि शी शुड हैव अ रिस्ट फुल ऑफ बैंगल्स, दैट इज अ विस्टफुल लॉन्गिंग. द नेक्स्ट वर्ड इज विदर. विदर से रिलेटेड मुझे एक सेंटेंस आ रहा है यार. वैसे तो विदरिंग ऑफ रॉक्स होता है, विदरिंग मतलब टूट के डिके हो जाना, सो दैट इज कॉल्ड डिके. विथ हर. अब इसका ये मैंने बनाया था कि विथ हर, अगर आप अपनी बंदी के साथ हो या किसी भी लड़की के साथ हो तो यार मनी विल डिके. क्यों? क्योंकि लड़कियों के साथ जाओगे तो पैसा खर्च होता है, करना पड़ता है, आगे से बढ़ के देना भी पड़ता है, सो दैट इज विथ हर. द नेक्स्ट वर्ड इज विथ होल्ड. विथ होल्ड का मतलब होता है किसी चीज़ को होल्ड बैक करना, कोई आपकी लाइफ से जाना चाहता है बट यू आर होल्डिंग बैक हिम, सो दैट इज विथ होल्ड. द नेक्स्ट वर्ड इज विटलेस. अभी देखो ऊपर विट फुल पढ़ा था, ऊपर पढ़ा था ना एक कोई विट से रिलेटेड वर्ड. विट मतलब दिमाग होता है बेसिकली यूज करने वाला, सो विटफुल विटलेस. विटफुल मतलब दिमाग से भरा हुआ कार्य करना और विटलेस मतलब बेकूफ़ी वाले काम करना, तो ऐसे याद करना है इसको. द नेक्स्ट वर्ड इज विटिसिज्म. विटिसिज्म मतलब वही विट से रिलेटेड आ गया, क्लेवर सेइंग, दिमाग वाली चीज़. द नेक्स्ट वर्ड इज विजार्डरी. विजार्डरी तो सबको ही पता है यार आज के टाइम पे, मैजिक जिसको बोलते हैं, जिसको सॉर्सरी भी बोलते हैं, हैरी पॉटर एंड द सॉर्सरर्स स्टोन, दैट इज कॉल्ड एज अ मैजिक विजार्डरी. विजार्डरी स्कूल में पढ़ता था वो, जादू. द नेक्स्ट वर्ड इज वो. वो का मतलब होता है डीप इनकॉन्सोलेबल ग्रीफ. जब आपको वो याद आ जाती है, आपकी वो, आपका एक्स या आपका जो भी होता है, तो आपको क्या हो जाता है, डीप ग्रीफ में चले जाते हो आप, यू आर इन अ सैड मूड, दैट इज कॉल्ड वो. द नेक्स्ट वर्ड इज रैंगल. रैंगल का मतलब होता है क्वेरल करना, लड़ाई झगड़ा करना, समथिंग लाइक दैट. तो जब आप किसी चीज़ को रॉन्ग एंगल देते हो किसी डिस्कशन में, किसी टॉपिक पे, तो फिर क्या होती है, आपकी लड़ाई हो जाती है, दैट इज कॉल्ड एज रॉन्ग एंगल टू क्वेरल और रैंगल. नेक्स्ट वर्ड इज रैथ. रैथ ऑफ गॉड, रैथ ऑफ नेचर, काफ़ी सारे वर्ड्स हैं. रैथ मतलब एंगर या फिर फ्यूरी. अब इसको याद करने का तरीका मैंने क्या बनाया है, रैथ रथ
रथ होता है, रथ से रिलेटेड. रथ टूट जाने पर क्या होता है? गुस्सा आता है, एंगर होता है, फ्यूरी आती है. दैट इज़ अ वे टू लर्न. द नेक्स्ट वर्ड इज रेक. रेक मतलब इन्फ्लिक्ट करना, किसी को पेन देना. अब रेक इज रिलेटेड टू ब्रेक. रेक ब्रेक. सो ब्रेक कब होता है कोई चीज़? कोई इंसान कब ब्रेक होता है? जब ब्रेक होता है तो उसमें क्या होता है? उसको पनिशमेंट मिलती है, उसको पेन होता है, दर्द होता है, दुख होता है. ही इज इन्फ्लिक्टिंग इन पेन. सो रेक का मतलब इन्फ्लिक्ट इन पेन. द नेक्स्ट वर्ड इज रेंच. रेंच का मतलब होता है पुल करना या स्ट्रेन करना. यार ये तो ऐसे कर सकते हैं, अपने घर में रेंच होता है, कोई काम करना है, मैकेनिकल काम करना है, जो भी होता है उसके काम आ जाता है. सो दैट इज रेंच. द नेक्स्ट वर्ड इज रेस्ट और पुल अवे, जिसका मीनिंग होता है पुल अवे. सॉरी, तो रेस्ट, जब आपको रेस्ट करना होता है किसी चीज़ से, तो यू पुल अवे, यू टेंड टू पुल अवे फ्रॉम अदर्स ना. दूसरे लोगों से दूर जाते हो, सबके साथ में तो आप रेस्ट नहीं कर सकते, सो सकते हो, तो फिर आपको दूर जाना पड़ता है. तो रेस्ट का मतलब पुल अवे. द नेक्स्ट वर्ड इज रेट. रेट का मतलब होता है रिटन कमांड इशूड बाय कोर्ट. जब कमांड कोई कोर्ट कोई कमांड देता है किसी लोअर कोर्ट को या किसी पर्सन को या किसी पुलिस को, दैट इज कॉल्ड एज अ रेट. अपने कॉन्स्टिट्यूशन में अगर पढ़ा हो किसी ने तो चार तरीके के रेट होते हैं. नाम भी मुझे पता है थोड़े. सर्टियोरी होता है, हिबस कॉपस होते हैं, ये सारे रिट्स होते हैं. द नेक्स्ट वर्ड इज रिथ. रिथ मतलब ट्विस्ट इन कॉइल्स. मतलब वही रिथ से रिलेटेड जो भी चीज़ होती है यूजली ट्विस्टिंग होती है, या तो कॉइल्स होती है, या तो इन्फ्लिक्टिंग इन पेन होती है. तो अब रिथ का राइट है. राइट सबसे क्लोजेस्ट वर्ड मिल रहा है आपको. अब राइट में क्या होता है? कभी आप सीधा सीधा तो लिखोगे नहीं, कुछ ना कुछ अल्फाबेट बनाते हो, तो यू टर्न ट्विस्ट कॉइल सब करते हो. सो दैट इज रिथ. द नेक्स्ट वर्ड इज राय. राय का मतलब होता है ट्विस्टेड. ट्विस्टेड विद अ ह्यूमरस ट्विस्ट. सो दैट इज राय. इसका मुझे कुछ एग्जैक्टली मिला नहीं था. सो यू कैन मेक एनीथिंग यू वांट. जब आपकी लाइफ राय से आप कह सकते हो क्राय, तो क्राय कब करता है इंसान? जब आपकी लाइफ थोड़ी ट्विस्टेड हो जाती है, कुछ हो जाता है, दैट इज राय. जेनोफोबिया इज अ टर्म यूज फॉर फेयर और हेटरेड फ्रॉम फॉरनर्स. को फॉरनर से हेटरेड होती है, दैट इज कॉल्ड जेनोफोबिया. फोबिया का वर्ड रूट होता है वैसे फेयर. फिलिक का मतलब होता है लवर ऑफ समथिंग, एंड दैट इज द केस. तो जेनोफोबिया, जेनो मतलब फॉरनर, फोबिया मतलब फियर. येन, येन का मीनिंग होता है लॉन्गिंग और एन अर्ज. तो वैसे तो जापान की करेंसी होती है, और ये सबकी इच्छा होती है कि वो इंडिया का छोड़ के बाकी सारी करेंसी में कमा ले पैसा. सो दैट इज येन. द नेक्स्ट वर्ड इज यील्ड. यील्ड का मतलब होता है गिव इन करना या फिर सरेंडर कर देना. तो यील्ड से रिलेटेड है फील्ड. अब फील्ड में क्या होता है? मैच होता है, कुछ भी होता है, तो एक टीम जीतती है, दूसरी टीम सरेंडर हार जाती है, दैट इज कॉल्ड सरेंडर. ये मैंने बेसिकली ऐसे कनेक्ट किया था कि सरेंडर और फील्ड से मुझे एक ही चीज़ ध्यान आती है, वो बांग्लादेश में सरेंडर हुआ था जब ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान वाला सीन था. तो किसी फील्ड में कोई एक बहुत ही फेमस सा ग्राउंड था बांग्लादेश में, वहाँ पे बुलाया गया था सरेंडर करने के लिए पाकिस्तानी आर्मी को. सो दैट वॉज द सीन. द नेक्स्ट वर्ड इज योक. योक का मतलब होता है टू ज्वाइन टुगेदर और यूनाइट. अब योक क्या होता है? अंडे के जो येलो वाला पार्ट होता है उसको योक बोलते हैं. तो वो योक क्या कर रहा है अंडे में? वो जो दो व्हाइट वाले पार्ट होते हैं ना जो तोड़ते टाइम निकलते हैं, उनको ज्वाइन करके रखा हुआ है, ऐसा रिलेट किया मैंने. सो दैट इज योक. द नेक्स्ट वर्ड इज जैनी. जैनी का मीनिंग होता है समथिंग वेरी क्रेजी और कॉमिक. जैनी से रिलेटेड है जॉनी. जॉनी लीवर सर, वो हमारे कॉमेडियन है अपने बॉलीवुड के, तो यू कैन रिमेंबर द वर्ड जॉनी, जैनी. दैट्स इट. जील. जील का मतलब होता है फुल ऑफ ईगर एंड एंथुजियाज्म. एंथू बोलते हैं जिसको, फील आना किसी चीज़ का, दैट इज कॉल्ड जील. जील फील. जील एंड फील आर क्लोज अबाउट. द नेक्स्ट वर्ड इज जीलेट. जीलेट कौन होता है? फैनेटिक पर्सन. एक ऐसा इंसान जिसमें एक्सेसिव जील होती है, वही एंथुजियाज्म बहुत ज़्यादा होती है, दैट इज कॉल्ड एज अ जीलेट पर्सन. तो अगर आप में जील ज़्यादा है तो मीन्स यू आर एंथुजियास्टिक, एंड जीलेट इज अ पर्सन हु हैज अ टेंडेंसी टू शो एक्सेसिव जील. बहुत ही ज़्यादा एंथुजियाज्म में आ जाते हैं कई लोग, जैसे सॉकर मैच चल रहा है, इंग्लैंड अंदर हो गई है, तो मेनी पीपल आर एक्साइटेड, दे आर जीलिंग. दैट इज अ वर्ड लिस्ट फॉर टुडे. सो इसमें 51 वर्ड्स कवर हुए हैं बेसिकली जेड कैटेगरी के. जेड कैटेगरी नहीं, मीन जेड अल्फाबेट तक के. एंड ये बैरन्स की बुक से ही है, जी आर ई बैरन्स. एंड इसी बुक लिस्ट को फॉलो करेंगे, इससे ज़्यादा वर्ड्स आई डोंट थिंक कहीं से आएंगे बाहर से. सो इसी को एक प्लेटफॉर्म मान के चलते हैं और इसी के वर्ड्स पहले ख़त्म करते हैं. इसके अलावा वीडियो में आपको कुछ ख़राब लगा हो, कोई सजेशंस हो, कुछ एडिशंस हो, तो यू कैन प्लीज़ फील फ्री कमेंट कीजिए नीचे सेक्शन में. एंड प्लीज़ एंथुजियाज्म बढ़ाइए मेरा, बिकॉज ये मैं आप ही लोगों के लिए कर रहा हूँ. ऐसे अलग अलग ढूंढ के पढ़ना इज़ इम्पॉसिबल, बहुत लोड आता है आपको. एक जगह पे कंबाइंड सब कुछ मिल जाएगा तो यू विल बी एबल टू स्टडी ईजली.
सो दैट्स इट फॉर द डे. एंड उसके अलावा कोई भी चीज़ हो आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं. आई विल ट्राई टू अप्लाई दैट थिंग इन द नेक्स्ट वीडियोस. थैंक यू सो मच. हैव अ ग्रेट डे एंड प्लीज स्टडी हार्ड एंड फोकस वेल. थैंक यू.